नमस्कार आसिबा संपूर्ण खबर को एनआईए को मिली बड़ सफलता गिरफ होती अलकायदार 9 जन संदिग्ध आतंकवादी एमान को पश्चिमबंग और केरल गिरफ कर आज सका पश्चिमबंग मुर्शिदाबाद और केरल एर्नाकुलम एनआईए चढ़ाऊ कर मुर्शिदाबाद 6 जन और केरल एर्नाकुलम 3 जन संदिग्ध आतंकवादी को गिरफ कर एमाने समस्त अलकायदार एमान टार्गेट थिला दिल्ली एनसीआर समेत अन्यान्य अंचल एमान मिली विपुल परिमाण गोला बारूद और आतंकवाद में व्यवहृत अन्य सामग्री जिहाद लगी उस्काउथिबा केतक पुस्तक मिली ताछड़ा जबत हो केतक कंप्यूटर और मोबाइल एसबुक एवं तर्जमा करा प्राथमिक तथ्य जहां जमापड़ी एमाने दिल्ली केतक व्यक्ति केतक व्यक्ति संपर्क में बारूद और अन्य विस्फोरक किनी था तेबे से किए से संपर्क में एनआईए खोलताड़ कर सूचना अनुसार अधिक गिरफ्तारी एनआईए खोलताड़ जारी रखी एनआईए सूत्र जमापड़ी एम संपर्क सीधासलख अलकायदार अगर आतंकवादी सह रही एम चेर पाकिस्तान जाए लंबी एमाने पाकिस्तान अनेक आतंकवादी सीधासलख संपर्क में थे एमाने भारत भितर गोटे बड़ धरणर आतंकवादी योजना को रूप देवा लगी योजना करुते किंतु ता पूर्व एनआईए यहाँ पंड कर एर्नाकुलम गिरफ तीन आतंकवादी नाम हो मुर्शिद हसन याकूब विश्वास और मुसारफ हुसेन से मुर्शिदाबाद गिरफ होता आतंकवादी नजमु साकिब आबू सुफियान मईनुल मंडल लुईन महम्मद और अल मामुन कमल अतितुर रहमान जांच एजेंसी एनआईए ने केरल और पश्चिम बंगाल में एक बड़े सर्च ऑपरेशन को अंजाम देते हुए 9 संदिग्ध आतंकियों को गिरफ्तार किया है जिसका वास्ता आतंकी संगठन अलकायदा से बताया जा रहा है। इस वक्त में मैं एनआईए के दफ्तर के ठीक बाहर में है। एनआईए मुख्यालय में इस मामले पर तफ्तीश चल रही है और एनआईए के अधिकारियों की अगर माने तो जिस तरह से पाकिस्तान में बैठे हुए अलकायदा आतंकी संगठन से जुड़े हुए कई आतंकी केरल और पश्चिम बंगाल में कई लोगों को सोशल मीडिया के मार्फत से उसे ट्रेनिंग दे रहे थे और उसे आतंकी बना रहे थे और इस मामले पर जब जानकारी स्पष्ट हुई तो कई जो आतंकी हैं इस मामले को ध्यान में रखते हुए एक बड़े आतंकी वारदात करने के लिए तैयार भी हुए थे और इसी मामले की गंभीरता को देखते हुए 9 लोगों को गिरफ्तार किया गया है जिसमें कि 6 पश्चिम बंगाल मूल के बताए जा रहे हैं और 3 केरल मूल के बताए जा रहे हैं। केरल के एर्नाकुलम से वास्ता है और जबकि पश्चिम बंगाल की बात करें तो मुर्शिदाबाद से वास्ता है। जिस तरह से इस मामले पर छापेमारी के दौरान कई महत्वपूर्ण सबूत मिले हैं और ये भी पता चला है कि राजधानी दिल्ली और एनसीआर को ये दहलाने की एक कोशिश कर रहे थे, लिहाजा किस तरह से राजधानी दिल्ली और एनसीआर में एक बड़े आतंकी वारदात को अंजाम देने थे इस मामले पर आगे की पूछताछ हो रही है और कहा जा सकता है कि एनआईए के अधिकारी की अगर माने तो आने वाले वक्त में इस मामले में कुछ और भी आरोपियों की गिरफ्तारी भी संभव है। वीडियो जर्नलिस्ट प्रकाश गुप्ता के साथ शंकर आनंद, न्यूज़ 18 दिल्ली। दिन करे 93,337 कोरोना आक्रांत चिन्हट होती देश में 53,00,000 टपी जा कोरोना संक्रमित संख्या और मोट आक्रांत संख्या 53,08,015 को वृद्धि पाई देश में कोरोना मृत्यु संख्या 85,619 पहुंची सारी देश में दिन करे 1,247 कोरोना आक्रांत मृत्यु होपरी सुस्थ संख्या 42,08,431 वृद्धि होती 24 घंटे सुस्थ हेले 95,880 जन एवं भी 10,13,964 रोगी चिकित्साधीन अछंति। राज्य में 4,209 कोरोना आक्रांत चिन्हट होती क्वारेटाइन 2,441 स्थानीय अंचल 1,768 पॉजिटिव सामना को पॉजिटिव संख्या 1,75,550 पहुंची सारी सुस्थ होती 1,37,567 और चिकित्साधीन अच्छा 37,239 खोर्धारु सर्वाधिक 663 पॉजिटिव चिन्हट होता बेले कटकु 491 और पुरी 326 पॉजिटिव सामना को आसी राज्य में आउ 4,209 पॉजिटिव चिन्हट होता बेले क्वारंटाइन सेंटर 2,441 और लोकल कंटाक्ट रही 1,768 अनुगुल 109 बालेश्वर 183 बरगड़ 116 भद्रक 43 बलांगीर 78 बौद्धर 55 कटक 491 देवगढ़ 23 ढेंकानाल 80 गजपति 43 गंजाम 65 जगत सिंहपुर 146 जाजपुर 176 झारसुगुड़ 80 कलाहांडी 90 कंधमाल 102 केन्द्रापड़ 123
केन्दुझर रु 72 खोर्धा रु 663 जाकि सर्वाधिक कोरापुट रु 114 मालकानगिरी रु 63 मयूरभंज रु 107 नवरंगपुर रु 102 नयागढ़ रु 47 नुआपड़ा रु 52 पुरी रु 326 रायगड़ा रु 92 संबलपुर रु 154 सोनपुर रु 83 सुंदरगढ़ रु 121 एवं 121 जन चिन्हट होती वर्तमान तो मोट संक्रमित मध्य सर्वाधिक बाहरी खोर्धा जिलूर जहाँकि 663 खोर्धा तलक अच्छी कटक 491 संक्रमित पुरी अच्छी तृतीय स्थान में 326 पॉजिटिव लगातार किसी दिन है 4000 ऊपर रही कोरोना आक्रांत संख्या एने अधिक आलोचना करवा जेहेतु कटक रु आज 491 पॉजिटिव चिन्हट होती कटक केमी कौन स्थित रही फोन लाइन अच्छे प्रतिनिधि नवेश महांति नवेश पूर्वर मध्य जिला प्रशासन आकलन करते आम बारंबार दर्शकों सूचाई दे सारी 450 ऊपर से डिजिट रही कटक डाटा देखिए गत काली 492 थे आज गोटे कमी 91 रही तेनाली ट्रेंड आम कही आरंभ हो जाए आगामी किसी दिन धरी आम कही गोटे सप्ताह धरी हुए तो ये ट्रेंड जारी रही है। सीएमसी ए पूर्वानुमान पूर्वर कर प्रस्तुति सीएमसी कर सारी अपरपक्षे बर्तमान सहर से जो किसी अमानिया जो सहर से कोरोना संक्रमण वृद्धि पाँची जहाँ बर्तमान से जहाँ को लेकिन मुख्यमंत्री तीव्र असंतोष प्रकाश करते डीजीपी को मुख्यमंत्री निर्देश देते कटक सहर से टे जांच कड़ाकड़ी करने से ही क्रम में डीजीपी निजे गत काली आज पर्यंत सहर विभिन्न स्थान में निजे प्रत्यक्ष अनुदान करांच करेक गुड़े दोकान से चढ़ाव हटात कर गत काली गोटे दिन में पाखापाखि 1200 जन ठार फाइन हटात कर तेणु लोक एत जहां आम आलोचना सकाल करूँ किसी व्यवसायी मान प्रतिक्रिया नौलू किसी ग्राहक मान प्रतिक्रिया नौलू ग्राहक बिल्कुल से पुणि थे सटडाउन परिस्थिति सृष्टि है आवश्यकता रही जहां कटक सहर स्थित कथा कह जिले तो कोरोना संक्रमण अच्छी कितने सहर से बेसी संख्यार अच्छी जिले में आज की मिसेक 20000 पार करा कह कोरोना मोट संक्रमित संख्या जहाँकि निहाती एक प्रकार बहुत बड़ तथ्य आसू तेणु प्रशासन पक्ष पूर्वभि आज कहु मुकबिला अधिक परिमाण में अधिक संख्यार टेस्ट करवर पजिट संख्या अधिक वृद्धि पाँच तेणु आगामी किसी दिन पर्यटन एक ट्रेन जारी रही है। पूर्वानुमान जिला प्रशासन वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी मैंने पंडित बिल्कुल धन्यवाद नवेश सविशेष आलोचना वर्तमान सीएमसी कमिश्नर पूर्व एने की सूचना दे सारी जे अधिका रहिबो कटक रे संक्रमित संख्या किंतु परवर्ती समय रे संख्या स्थिर रहिबो एवं ता परे परे निम्नगामी हेबो ए संख्या किंतु आज जहाँ चिंताजनक विषय कटक जिला रु 491 पॉजिटिव चिन्हट होती गत काली संख्या थिला 492 आज गोटे मात्र कमी 491 रही पॉजिटिव संख्या एवं खोर्धा रही टॉप रे आज जिते जन संक्रमित चिन्हट होती 4209 कोरोना आक्रांत चिन्हट होती आज राज्य एवं खोर्धा रु 663 पॉजिटिव चिन्हट होता बेले पुरी रु 326 पॉजिटिव सामना को आसने अधिक तथ्य ने फोन लाइन अच्छे पुरी प्रतिनिधि अक्षय मिश्र अक्षय गत काली टिके कमी संक्रमित संख्या हुए तो प्रशासनिक स्तर में टिके आश्वस्ति प्रकाश पाई थी किंतु आज पुणी थर संख्या बढ़ी जा देखो बंदा निश्चित पक्ष जदि कह तेरे कोविड हार जहाँ गत काली पर दिन था बोध भावे कि कोविड परिमाण टे कमला कि पुणी थे 280 पर आज 300 टपी तेणु निश्चित भाव यह चिंता पड़ जाती कारण जदि कह कि मोटामोटी भाव में पूरी एर ये सेप्टेम्बर मसने हु बढ़ी चली कोविड पॉजिटिव संख्या एवं पूरी जिलार प्राय 81 ब्लक परिसंख्यार ना से विशेष भाव में पूरी सब अधिका रही है तलू पूरे सत्यवादी गोप कोणास काकरपुर निमापड़ा यह सब अंचल रही है पूरी पंचायत पौराश पॉजिटिव संख्या एजबत प्राय 2500 ऊपर को पहुंचला जहां प्रशासन पक्ष कहु टेस्ट संख्या बढ़ी चली प्राय 78000 टेस्ट करा सहित पूरी मृत्यु संख्या 33 पहुंची सबुठ गुरुत्वपूर्ण है पूरे श्रीमंदिर जो सेवायत अच्छी सेवायत संख्या बढ़िवार लगी जहाँफल श्रीमंदिर नीतिकांति सेवा पूजा को लेकिन गोटे आशंका देखा जाए कारण सेवायत 250 अधिक सेवायत कोविड पॉजिटिव है
एवं या सहित सात जन मृत्युवरण करते दुई जन श्रीमंदिर परिचा कमिटर पूर्वतन सदस्य बहुत सेवायत रही या सहित सेवायत मान दाबी पक्ष दुईट कोविड केयर सेंटर कर गोटे चकंत रोड में आउ गए हूँ लिया भक्त निवास कितु आहरी कोविड केयर सेंटर सेवायत करेटर व्यवस्था करेतु सेवायत क्षेत्र में बढ़ी चलती खाली एति की नुहे जो सेवायत मैंने पाया सेवायत जो नीति चलती कहते श्रीमंदिर से समस्या देखा नीति करने तेणु सेवायत गोटे डाटा बेस प्रस्तुत कराई तेणु सेवायत जदि किए आक्रांत होती तेरे स्थान में आउ कौ सेवायत नीति करेंगे श्रीमंदिर सत्यनीति कौन कौती से नहीं श्रीमंदिर परिचा कमिटी पक्ष एक व्यवस्था कराई अंपटे पूरी जिले में जब देखा तेरे जेहेतु रोगी संख्या बढ़ुची और सेपटे सचेतनता एवं विभिन्न ग्रामांचल मानक संक्रमण बढ़ला तेणु ग्रामांचल मानक मास्क प्रदान करवा से नहीं बारंबार कहु सचेतन करा तथापि देखा गले लोक मैंने कौटना कौटी खिलाफ करस्क प्रदान सठिक भाव करूना दोकान बजार गला सठिक भाव सामाजिक दूर रखुना जहाँ फल वर्तमान स्थिति में संक्रमण हार बढ़ी चलती केवल केवल श्रीमंदिर को छाड़ी देले बाकी सब खोला रही पर्यटकों होटल पर्यटकों रहा आरंभ हो गला तो वर्तमान ये पूरा खोला मेला स्थिति रे संक्रमित संख्या बढ़ुची पूरीवासी कौन कहते देखो निश्चित पक्ष पूरीवासी जेहेतु प्रशासन जो गाइडलाइन अच्छी जो भाव में कोविड संख्या बढ़ने प्रशासन पक्ष लॉकडाउन कर सटडाउन करा तेणु निश्चित भाव पूरीवासी जेहेतु प्रतिदिन प्राय तीन सौ अधिक सेवायत पॉजिटिव तीन सौ अधिक पॉजिटिव आक्रांत को चिन्हट कर दावी कर प्रशासन ये समय भितर गोटे सप्ताह मध्य पर्यंत लॉकडाउन व सटडाउन करू जहाँ फल पूरी में ये चेन को ब्रेक करहब बोली से दावी कर प्रशासन को अनुरोध करूँ गोटे पटे जीवन जीविका कथा कहुच्छी कारण जीविका बहुत दिन है लोक जीविका हरई से किसी दी पैसा रोजगार कराया बेले पुणी थे कोविड पॉजिटिव संख्या बढ़ुची तेणु निश्चित भाषे प्रशासन ही सब बड़ गुरुदायित्व कि कोविड नियंत्रण किभली करोटे चैलेंज पाल हिसाब से अंपटे वर्तमान स्थिति सहरवासी चिंता कले सटडाउन लॉकडाउन जदि कराए तेरे कितने मात्र प्रभावित पड़ पूरी जिलावासी बड़ प्रश्न सृष्टि कर देखा पड़ो सेप्टेम्बर मस वर्तमान स्थिति रे पुणी थरे कटकणा लागू करा जीवो ना केमिति संक्रमितों संख्या कम करा जीवो ताहा प्रशासनिक स्तर रे गोटे चैलेंज निश्चित भाव में धन्यवाद अक्षय सविशेष आलोचना पाई। राज्य रे आउ 4209 कोरोना आक्रांत चिन्हट होइथिबा बेले वर्तमान जहाँ खबर आसुची कोरोना रे आउ 9 जणंकर मृत्यु होईछि एवं ओडिसा रे कोरोना रे मृतकंक संख्या 691 रे पहुंची सारिछि। बरगढ़ रु 2 गजपति भद्रक कटक बलांगीर पुरी रायगढ़ संबलपुर रु जणे लेखाए आक्रांतकर मृत्यु होईथिबा सूचना मिलिछि एवं प्रथम थर पाई हुए तो विगत किछि दिन मध्यरे खोर्धारु कौनसी भी मृत्यु रिपोर्ट आसी नाही। बरगढ़ रु 2 जण आक्रांतकर मृत्यु होईथिबा बेले गजपति भद्रक कटक बलांगीर पुरी रायगढ़ एवं संबलपुर जड़े लेखाए आक्रांतकर मृत्यु रिपोर्ट आसी ओडिशा रे मोट 9 जन को आज 9 जन को मिसाई मोट कोरोना मृतकों संख्या 691 पहुंची सारी। बरगढ़ 2 जन आक्रांतकर मृत्यु होता बेले गजपति भद्रक कटक रु जड़े लेखाए आक्रांतकर मृत्यु हो बलांगीर पुरी रायगढ़ एवं संबलपुर रु जड़े लेखाए आक्रांतकर मृत्यु हो एने अधिक आलोचना करिबा आम प्रतिनिधि सुमंत सुंदराय अच्छा फोन लाइन में। सुमंत 4000 उपरे तो रही आज कोरोना आक्रांत को संख्या पुणी थरे टॉप रे रही खोर्धा एवं टिके आश्वस्तिर खबर खोर्धा रो आज कौन से मृत्युर रिपोर्ट नहीं जदि हम कह कि 48 घंटा भितर 48,075 वर्तमान टेस्ट होती कि जहां पाखे खबर रही सरकारी तथ्य कौच न्यू पॉजिटिव केस रही 4209 क्वारंटाइन केस रही 2441 लोकल कंटाक्ट केस रही 1768 तेणु तार भितर जब कह न्यू रिकवरी होती 4101 कुमुलेटिव टेस्ट रही 2,27,15,822 पॉजिटिव केस रही 17,05,550 रिकवर होती 13,07,567 एक्टिव केस रही 3,249 तेणु ये हूँ मोटामोटी केस संख्या जब आम कह अनुगुण केस रही 109 बालेश्वर रही
शहे तेया अच्छी बरगड़ रही शहे षोह यदि आम जो कथा आप पचार खोर्धा केस जो बर्तमान रही आम पाखे खोर्धार बर्तमान मृताहतर खबर कौन भाव में पहुंची ना बाई तेणु जी आम कह मोटामोटी भाव में जो भाव में मुख्यमंत्री जो निर्देश देते डीजीपी की मॉनिटरिंग करने भर टोटल पूरा मॉनिटरिंग चली भुवनेश्वर किभली भाव में ट्विन सिटी किभली भाव में गोटे गंजाम आधार में जो मुकाबला चली तेनाली किभली भाव में आहरी लोक आहार कर लोक मैंने बिना कारण घर न बाहर और प्रशासनिक स्तर में जो भाव में गोटे बड़ चैलेंज सृष्टि तेनालीराम प्रपर ढंग से मुकाबला कर चली आउ गोटे कथा रोचे सुमंत आम देखु जो संख्या शहे उपर रोच संक्रमित संख्या दिनक दिन बढ़ुची से जिला मानकर आज पंदर टी जिले में शहे रु अधिक संक्रमित संख्या चिन्हट होती धन्यवाद सुमंत सविशेष आलोचना राज्य में आउ 4209 कोरोना आक्रांत चिन्हट होती क्वारेटाइन सेन्टर 2441 स्थानीय अंचल 1768 पजिट चिन्हट होता बेले आउ कोरोना 9 जनकर मृत्यु होशार कोरोन मृतकों संख्या 691 पहुंची सारी कोविड स्थिति अनायत्त होगा पर सजग हो प्रशासन मुख्यमंत्री निर्देश पर एक्शन मोड को आसी पुलिस पुलिस महानिर्देशकों बैठक पर मैदान को ओह्लाई कमिश्नरेट पुलिस राजधानी अमानिया को साबाड़ करने चेकिंग और तागिद आरंभ हो गत काली भली आज भुवनेश्वर विभिन्न छक और बजार पुलिस और बीएमसी पक्ष चढ़ाओ हो सामाजिक दूरता और मास्क न पिंधार उभय व्यवसायी और ग्राहकों को फाइन कर गत काली गोटे दिन में ट्विन सिटी 7882 जनों ठारु फाइन आदाय होता बेले 44 टी दुकान को सील करा दै छी एनेक अधिक आलोचना करिबा जीवा हम प्रतिनिधि शुभलक्ष्मी बळंक निकट को शुभलक्ष्मी जो भली भाव में कोरोना संक्रमण संख्या बढ़ी बढ़ी चली वर्तमान उभय सिटी रे ट्विन सिटी रे वर्तमान जमी बढ़ी बढ़ी चली नजर रखी गत काली तो चेकिंग करा जाउथिला तागिद मध्य करा जाउथिला आज कौन स्थिति अच्छी देखु आम जब देखा मुख्यमंत्री निर्देश पर जोरदार कर राजधानी चेकिंग को आप देखते आम बर्तमान राजमहल छक अच्छा ये चली चेकिंग चली केवल छक बजार नुह विभिन्न ट्राफिक पोस्ट मानक चेकिंग को जोरदार करण गत किदिन जहाँ आम देखुचे जे करोना आड़े लोक अमानिया हो गोटे जिनस तो रोच तो मास्क कहतु सामाजिक दूरत कहतु ताकू मानु नपटे देखा ट्राफिक नियम को मध्य मानु ना गोटे चिंताजनक विषय रही राजधानी आई संक्रमण बढ़ी चलता कारण राजधानी स्थिति जदि आम देखा अनायत तो रही राजधानी स्थिति तो ताकू जोरदार करतमान गत दुई तीन दिन है देखा चेकिंग को जोरदार करपराह जदि देखा जेहेतु भिड़ अधिक रोचे तो अपराह विशेषकर विभिन्न मार्केट प्लेस उभय बीएमसी और कमिश्नर पुलिस तरफ मिलित चढ़ाऊ करा दिन समय जदि आम देखा छक गुड़िकरे जांच करा जाउछि जो माने आसुचंती बा जो ये नियमर उल्लंघन करुचंती तांको उपरे कार्यानुष्ठान निया जाउछि आमे जदि वर्तमान देखिबा एप्रिल मासरु वर्तमान सुधा जदि देखिबा राजधानी रे प्राय लक्षे 77,000 लोकों ठारु जरिमाना आदाय करा जाय सारिलानी जो माने कि मास्क पिंधुन नाहंती जो माने कि माने सामाजिक दूरता मानु नाहंती एई भली भाबे जदि आमे देखिबा सेमानक ठारु फाइन आदाय करा जायछि पाखा पाखी 2.5 कोटी टंकार फाइन एप्रिल मासरु एबे सुधा आदाय करा जाय सारिलानी अन्यपटे आप देखु चेकिंग करा किंतु सहित जेहेतु वर्तमान करोनार स्थिति रही तो से जगार लोक हाथ सानिटाइज करा वर्तमान देखिए जो चेकिंग को जोरदार करमी रही सुधा केते चेकिंग मैंने केते लोकों जरिमाना आदाय कर सहित जदि आम देखुचे आप सानिटाइजेसन भी सानिटाइजर रखिंट जो मैंने आसुच्च सानिटाइज भी हाथ करा कारण जेहेतु वर्तमान गोटे महामारी भय ठीक अच्छे मैडम कहीं त
आप देखु जो भाई भाव मैंने एवं सुधा राजमहल छक जदि आम देखा एवं सुधा तीस रु अधिक लोकों ठार जोरीमाना आदाय कर सारे जो मैंने ट्राफिक नियम भांगुं नियम मानुना जो मैंने मास्क पिंधुना समदूरता बजाय रखुना यही भाव अनेक लोकों ठार जोरीमाना आदाय कर सारे गत काली देखी राजधानी जो स्वतंत्र स्क्वाड गठन कर बीएमसी आउ पुलिस कमिश्नर पुलिस तरफ मिसिकी से माने मध्य 7000 रु अधिक लोकों ठार मानने जरिमाना आदाय कर देखा 44 दुकान को मध्य सील करा कारण जो माने जो दुकान गुड़िकर भिड़ लगी रोला समदूरता बजाय रखुन कारण वर्तमान समय रे ए गोटे ही बाट रही कि लोक मैंने समदूरता बजाय रखिबे मास्क व्यवहार करिबे बा जो करोनार गाइडलाइन रही से गाइडलाइन को किभली मानिबे कारण तेबे जाइकी जो महामारी रही रोक जा पार कारण आम जदि देखुचे 17000 ऊपर रही वर्तमान संक्रमण केवल सेप्टेम्बर मसे जदि देखा 8000 पखापाखी रही आक्रांतों संख्या जहाँ गोटे चिंताजनक विषय रही भाव जोरदार कर पदक्षेप को जोरदार कर पुलिस कमिश्नर पुलिस आउ बीएमसी तरफ आग को जारी रही जहाँ सूचना रही बंदिता बिल्कुल धन्यवाद शुभलक्ष्मी सविशेष आलोचना लोकों को सतर्क करागला सचेतन करागला तथापि लोक चेतिले नाही एवं बारंबार एमती अमानिया खोजी बाहर करुछी कमिश्नरेट पुलिस कड़ा निर्देश रही जेहेतु राज्य सरकार तरफ से ही हिसाब से दंड विधान व्यवस्था रही फाइन गड़ा जाउछी प्रत्येक दिन फाइन आदाय कर दुकान भी सील कर प्रक्रिया वर्तमान जारी रही सेपटे कटक अमानिया को सबाड करने अंटा भिड़ी कमिश्नरेट पुलिस राती दिन चली चेकिंग एवं फाइन कटा खुद डीसीपी ओलाउंट ग्राउंड को कोरोना चेन भांगी कठोर हो प्रशासन शुक्रवार संध्या मालगोदाम थाना अंचल रे निजे डीसीपी मास्क पिंधि नथिबा एवं सोशल डिस्टेंस मानुन व्यक्ति फाइन संग्रह कर एत दिन है भी कते जगार देखा जा लोक अवमानना कर मानुना कोविड नियम को से आम तरफ अवेयरने भी बढ़ाई जाइए और एनफोर्समेंट भी बढ़ाई जाइए दुटा जाक बढ़ाई जाइए और आम तरफ कते भी लोक मैंने जो मैंने भी वायलेसन कर जमा टलरेन्स रखा जा जीरो टलरेन्स अप्रोच नहीं कि आम एनफोर्समेंट चलाऊ और लोक भी समस्त रिक्वेस्ट करजे आड़ आईन और कोविड नियम पालन करेंगे जब पर्यटन लोक निजे पालन करेंगे ना एनफोर्समेंट भी आम कते कले भी कोविड जो आम जो बीमारी चली कंट्रोल करें परवर्ती खबर को आसीबा सुप्रीम कोर्ट गले अभिनेत्री वर्षा प्रियदर्शिनी दिल्लीर पटियाला हाउस कोर्ट रे अनुभव करथिबा छाड़पत्र मामला को कटक स्थानांतर पई आवेदन करिछंती वर्षा मामला लड़ीबा को दिल्ली जाई परिबे नाही बोली वर्षा कहिथिले तेणु मामला कटक फैमिली कोर्ट को स्थानांतर पई वर्षा आवेदन करिछंती पूर्वरु गत जुलाई रे दिल्लीर पटियाला हाउस कोर्ट रे अनुभव महंती छाड़पत्र पई आवेदन करिथिले यार सुनाणी आसंता अक्टोबर 7 तारिख रे हेबो दिल्लीर पटियाला हाउस कोर्ट रे अनुभव करथिबा छाड़पत्र मामला को कटक स्थानांतर पई आवेदन करिछंती वर्षा मामला लड़ीबा को दिल्ली जाई परिबे नाही बोली वर्षा कहिथिले तेणु मामला कटक फैमिली कोर्ट को स्थानांतर पई वर्षा आवेदन करिछंती गत जुलाई रे दिल्लीर पटियाला हाउस कोर्ट रे अनुभव महंती छाड़पत्र पई आवेदन करथिले जहार सुनाणी आसंता अक्टोबर 7 तारिख रे हेबो एवं अभिनेत्री वर्षा प्रियदर्शिनी सुप्रीम कोर्ट गले दिल्लीर पटियाला हाउस कोर्ट रे अनुभव करथिबा छाड़पत्र मामला को कटक स्थानांतर पई आवेदन करिछंती वर्षा मामला लड़ीबा को से दिल्ली जाई परिबे नाही बोली वर्षा कहिथिले तेणु मामला कटक फैमिली कोर्ट को स्थानांतर पई वर्षा आवेदन करिछंती पूर्वरु गत जुलाई रे दिल्लीर पटियाला हाउस कोर्ट रे अनुभव महंती छाड़पत्र पई आवेदन करिथिले जहार सुनाणी आसंता अक्टोबर 7 तारिख रे हेबो दिल्लीर पटियाला हाउस कोर्ट रे अनुभव करथिबा छाड़पत्र मामला को कटक स्थानांतर पई आवेदन करिछंती वर्षा मामला लड़ीबा को से दिल्ली जाई परिबे नाही बोली वर्षा कहिथिले तेणु मामला कटक रो फैमिली कोर्ट को स्थानांतर पई वर्षा आवेदन करिछंती गत जुलाई रे दिल्लीर पटियाला हाउस कोर्ट रे अनुभव महंती छाड़पत्र पई आवेदन करथिले जहार सुनाणी आसंता अक्टोबर 7 तारिख रे हेबो
दिल्लीर पटियाला हाउस कोर्ट में अनुभव महांती छाड़पत्र आवेदन करते वर्षा जहां जुक्ति रखिंट मामला लड़ा को दिल्ली जापारे ना से छाड़पत्र मामला को कटक फैमिली कोर्ट को स्थानांतर पर वर्षा आवेदन कर दिल्लीर पटियाला हाउस कोर्ट में जो आवेदन करार शुणा आसंता अक्टोबर 7 तारीख में हो सुप्रीम कोर्ट जाइछन्ती अभिनेत्री वर्षा प्रियदर्शनी दिल्लीर पटियाला हाउस कोर्ट रे अनुभव करथिबा छाड़पत्र मामला को कटक स्थानांतर पई आवेदन करिछन्ती वर्षा मामला लड़ीबा को से दिल्ली जाई पारिबे नाही बोली वर्षा कहिछन्ती। बुलेटिन आगे को मध्य जारी रहबो खबर समय हो जाइछि नै जे बाक बिरती।